दोस्तों मनाली में बर्फ नहीं मिली। अभी हम पहुंचे हाँ अटल टनल से निकल के। जैसे ही मनाली से हम अटल टनल को पार करते हैं, टनल को पार करते ही आप नज़ारा देखो। ये देखो भाई, ये नज़ारा है। बहुत सारी बर्फ ही बर्फ है। तो जो भी भाई मनाली माँ में हैं, तो मनाली में आपको बर्फ नहीं मिलेगी। आपने अटल टनल पार करके तो फिर कोकसर की तरफ आना पड़ेगा, वहां पे आपने बर्फ मिलेगी। और ये सामने देखो पहाड़ के बीच से ये अटल टनल का द्वार है, यहाँ से घुसते हैं और फिर परली तरफ निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने बर्फ मिल गई और अभी लेते हैं थोड़ा एंजॉय। गाड़ी यहाँ पे हमने खड़ी कर दी अपनी और अभी चल पड़े हैं इस तरफ। बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रहा है, तो यहाँ पे आओ तो अपने गर्म कपड़े, भाई पूरे गर्म कपड़े लेके आना। और सिर पर जैसे मैंने टोप डाल रखा है, टोप की भी जरूरत पड़ेगी। और नदी दिखा दी दोस्तों, नदी बिल्कुल जम चुकी है, इतनी ज्यादा सर्दी होगी एकदम। ये देखो ये सामने नदी है, आपने पानी चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ऊपर बर्फ है, नीचे पानी घुस गया बर्फ के, और फिर देखो ये जम गई बिल्कुल, सर्दी से जम रही है दोस्तों, पूरी नदी जम चुकी है। तो ये नजारा है भाई, आज हवा भी काफी तेज है, बिल्कुल सर्द हवा है। ये देखो दोस्तों ये पानी है, पानी जम चुका है और मैं नदी के ऊपर से चल रहा हूँ, अभी इसके नीचे पानी है। ओहो फिसलन भी है भाई, बहुत ज्यादा ठंड है साथियों। जिसको अभी भाई आना है तो मनाली से करीब आपने 23-24 किलोमीटर आगे आना पड़ेगा, वहां पर आपने बर्फ मिलेगी, नहीं तो कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और बहुत सुंदर नदी बह रही है साथ में, ऊपर पूरे पहाड़ पर इस पर बर्फ है। और ये देखो लोग पूरा एंजॉय करने लग रहे हैं यहाँ पे, ये देखो हाथ पैर जो है सुन हो गए हैं, बिल्कुल हिम्मत नहीं है भाई मेरी तो ज़्यादा देर यहाँ पर रहने की। तो मैं तो भाई से पूछता हूँ अभी गाड़ी में जाऊँगा मैं, क्योंकि हालत भाई ख़राब होने वाली। भाई जी मैं जाऊँगा गाड़ी में, मेरे बस की बात नहीं है। ना ना सच में बहुत सर्दी है भाई। सैफी भाई कैसा महसूस कर रहे हो? सर्दी नहीं भैया, धूप के पास भाई। दोस्तों वैसे मज़ा तो आ रहा है लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो अभी यहाँ पे रील बनाने लग रहे हैं सैफी भाई, अरमान भाई। तो रील भी जरूरी है भाई, ऐसे स्थान पर आ गए, यादें स्टोर करना बहुत जरूरी है। ऊपर धूप निकल रही है पहाड़ पे, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही। सामने ये बहुत बड़ा पहाड़ है इसलिए धूप नहीं आ सकती यहाँ पे, तो सर्दी काफी लग रही है। तो भैया काफी सारी रील बना ली है यहाँ पे, फोटो भी खिंचवा लिए हैं। और ये भाई बार बार आने लग रहे हैं, सब मजा ले भाई यहाँ पे आ गए। तो भैया अरमान भाई तो अपनी रील बना हुए हैं, लेकिन मेरे को लग रही है सर्दी बहुत ज्यादा। मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी की तरफ, दोस्तों नहीं बर्दाश्त होती भाई ये उंगलियां है ना, उंगलियां बिल्कुल सन होगी। तो अभी कुछ खावांगे गर्मा गर्म, और मैगी से अलावा यहाँ पे कुछ मिलता नहीं, मैगी खानी पड़ेगी। दोस्तों बहुत ज्यादा ठंड थी, तो मैं तो बैठ के अपनी गाड़ी में अभी चलाऊंगा हीटर। ये हाथ जो है बिल्कुल सन पड़ चुके हैं, तो मैं तो भाई अपने हाथों से सेकूंगा। और भाई यार तो अभी वहीं पे हैं, देखो किस टाइम आऊंगे, मैं अभी सेफ हूँ। अभी रास्ते में रुके हैं खाने पीने के लिए, कुछ खा लेते हैं। और बहुत प्यारा नजारा हमने दिखाई देगा, तो अभी भाई है ना जो ड्रोन उड़ाऊंगे यहाँ पे, ये देखो ये अपना ड्रोन है, और अभी ड्रोन उड़ेगा भाई, पता नहीं कितनी ऊंचाई तक ले जाएगा भाई इसने, बहुत ऊंचाई तक चला जाए। छोटा सा है दिखने में लेकिन काफ़ी ऊंचाई तक चला जाए। अभी कुछ खाने का ऑर्डर कर देते हैं भाई। ये देखो भाई कितनी दूर उड़ा दी इसने, बहुत स्पीड है इसके पंखों की, क्या बात है। यहाँ से ये कंट्रोल कर रहे हैं भाई इस तरह, ये देखो भाई इस तरह से हो गया। तो
पक्षी आगे भाई जी, पक्षी तो नहीं टकरा जाएंगे इस तरह।